एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव चुपुरजा से आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं, हमारा धरना चल रहा है। हमारी मांग है 15 गांवों की, जो गग्गर से हमारी 3 क्रीफ चैनल्स मंजूर हुई हैं, सीएम साहब ने अनुशासना करी थी 2018 में इन 15 गांवों में गग्गर के पानी को देने के लिए। और पीछे हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी संघर्ष किया, ये मंजूर हो गई, इनका फंड्स मंजूर हो हुआ है, तीनों क्रीफ चैनल्स के लगभग 80 करोड़ रुपए के करीब मंजूर हो हुआ है। प्रशासन और सरकार हमें पिछले 5 सालों से लगातार गोलीबाजी कर रही है, जिसकी वजह से ये हमारे जो क्रीफ चैनल्स हैं ये अभी तक बिना किसी कार्य के वैसे पड़े हैं, इनकी खुदाई चालू नहीं हुई। जबकि जो प्रशासन है उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है और अब सिर्फ इनको शुरू करना बाकी है। किसान साथी पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा ये काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। सिर्फ दिक्कत ये आ रही है, हमारी ये जो क्रीफ चैनल्स हैं इनको जब मंजूर किया गया था उस टाइम इसका कलेक्टर रेट जो था वो कम था और जो जमीन जमींदार देने के लिए तैयार थे। अब कलेक्टर रेट वही है लेकिन जमीन के जो रेट हैं वो 3 से 4 गुना 5 गुना तक बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से प्रशासन और सरकार हमें सिर्फ गोलीबाजी दे रही है। हमारे लोकल जो यहाँ MLA हैं या हमारे BJP पार्टी के कई कार्यकर्ता मेंबर हैं, उन्होंने भी हमारी कई मुलाकातें करवाई। अभी पीछे CM साहब के OSD साहब आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे किसानों की मीटिंग ली जिसमें 15 गांवों के किसान वहां पे मौजूद थे। उन्होंने DC सिरसा को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को और ADC सिरसा को भी ये चीज़ उसी टाइम बोली भी आप इनकी जो मांगे हैं इनको जल्दी से जल्दी मंजूर करने की कोशिश करें। उसके बाद ADC साहब ने मीटिंग ली लेकिन वो ही मीटिंग में कोई उसका फैसला नहीं हुआ, वो बात वहीं की वहीं रह गई। अब मंजूरन हमें ये 15 गांवों के जमींदारों को आज यहाँ 3रा दिन हो गया जी धरने पे बैठने के लिए, ना तो सरकार की तरफ से कोई उनका नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है, ना सिरसा प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई सुध ली है। तो अब आगे पैसा इसका खरीफ चैनल्स का पैसा पास हुआ है, 54 करोड़ दिगतानियाँ माइनर्स के फर्स्ट और टू का मंजूर हुआ है और बंबूर सलारपुर माइनर का 12 करोड़ 26 लाख रुपये मंजूर हुआ है। लेकिन प्रशासन और सरकार हमें सिर्फ गोलीबाजी कर रही है, काम शुरू नहीं कर रही है। तो आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, अगर ये हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मंजूर नहीं होती तो किसान साथी आगे ज़्यादा सख्त और कठोर फैसले लेने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार और प्रशासन से यही गुजारिश है भाई, जो आज की डेट में हमारी ज़मीनों का मार्केट रेट है वो रेट दे के हमारी ये खरीफ चैनल्स हैं, जो इनकी खुदाई का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और हमारी इन गांवों को इस गग्गर नदी का पानी दिया जाए। हमारे प्रपोजल है जो 2004 से चालू हुआ है और 2000 चालू के बाद 2009 में ये पास हो गया था। 2009 में पास होने के बाद 2014 में ये प्रपोजल बिल्कुल तैयार हो गया था और 2019 में ये जो पैसा था वो अलाउंस कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने इसको 4 बार घोषणा कर चुके हैं इस खरीफ चैनलों के लिए। और जो हमारा दिगतानिया फर्स्ट और सेकंड है उसका 54 करोड़ 6 लाख रुपया और बंबूर सलारपुर खरीफ चैनल का करीबन 12 करोड़ 26 लाख रुपया है। और 70% जो जिम्मेदार है हमारे उन्होंने सहमति पत्र दे चुके हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और यहाँ का प्रशासन और यहाँ के लोकल जो विधायक हैं वो भी हमारी नहीं सुन रहे, हमारे को लॉलीपॉप देकर और आश्वासन देकर चले जाते हैं। और इलेक्शन दूसरा और तीसरा आने वाला है और वहीं की वहीं हमारे खरीफ चैनल है, इसलिए हम इस राह पर संघर्ष के राह पर चले हैं।